लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू लॉलीवुड लाइट्स। अर्तुरुल पाकिस्तान में ऑन एयर क्या हुआ? हर तरफ जैसे बहचाल आ गया और एक हंगामा सा बर्पा हो गया। ज्यादातर लोग पीटीवी पर अर्तुरुल की ब्रॉडकास्टिंग से इस कदर खुश हैं कि हर दो इंसानों को छोड़कर तीसरा इंसान अर्तुरुल बने घूम रहा है। अर्तुरुल की इस बेनजीर कामयाबी से मुतासिर होकर हमारे जाने माने प्रोड्यूसर्स और मेगा स्टार्स मिस्टर हुमायूं सईद और मिस्टर अदनान सिद्दीकी एक डेलीगेशन की सूरत में टर्की पहुंचे और कुछ दिनों बाद टर्की से भी बड़े बड़े एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स पाकिस्तान का रुख करने लगे। कहानी आगे बढ़ती गई और अब हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर इमरान खान के एक साथ कुछ अहम मुलाकातों के बाद रिसेंटली ये ब्रेकिंग न्यूज आई है कि पाकिस्तान और टर्की के दरमियान एक ग्रैंड स्केल पर ज्वाइंट प्रोडक्शन होने जा रहा है। सोर्सेस के मुताबिक ये सीरीज एक पाक तुर्क हीरो अब्दुल रहमान पेशावरी की जिंदगी पर बेस्ड होगी और अब्दुल रहमान पेशावरी बेसिकली पाकिस्तान के एक खूबसूरत शहर पेशावर में पैदा हुए और सल्तनत उस्मानिया के दौरान उन्होंने टर्की जाकर कमोबेश दो से तीन जंगों में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। लेकिन अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि अब्दुल रहमान पेशावरी का रोल प्ले कौन करेगा? इस बारे में सोशल मीडिया पे एक पोल क्रिएट किया गया जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने हमजा अली अब्बासी को एक बेहतरीन ऑप्शन करार दिया फॉर ऑल द गुड रीजंस। देखें, पहली रीजन तो ऑब्वियसली उनकी हाइट और फिजिक है कि वो एक जंगजू के रोल में फिट तो होते हैं, लेकिन दूसरा रीजन आप एक महज इत्तफाक समझ लीजिए कि हमजा अली अब्बासी का ताल्लुक भी पेशावर से है, सो उनके लिए पश्तो बोलना इज अ पीस ऑफ केक। So having our finger crossed, we are hoping to see Hamza Ali Abbasi as Abdul Rahman Peshawari in Turk Lala. और हुमायूं सईद के एक रफ आइडिया के मुताबिक द सीरीज की शूटिंग सितंबर 2021 में स्टार्ट होगी। So yeah, that's it. See you in the next video.